हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं आपको ये जालीदार डोरमेट की डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। इसे मैं आज आपको 27 फंदे से बनाना बताऊँगी। 27 फंदे से भी अगर आप इसे साड़ी से बनाएंगे तो डोरमेट की तरह ये बन जाता है, क्योंकि बाद में इसमें फंदे बढ़ रहे हैं। तो इस डिज़ाइन को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। तो देखिए कैसे बना है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अभी हम यहाँ 27 फंदा लिए हुए हैं। अब इसमें से हम इसे तीन हिस्सों में बांटेंगे तो एक हिस्सा कितना बनेगा, 9 फंदों का। तो 9 फंदों में अब हम लोग यहाँ जाली डालेंगे। तो देखिए, तो ये जो पहला फंदा है उसे उठा लेंगे, लेकिन इसे भी हम लोग गिनेंगे इस तरह से। अब यहाँ दूसरे फंदे से हम लोग यहाँ पे जाली डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये एक और ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, धागा सामने लाएंगे, ये पांच, छह, ये सात, ये आठ, ये देखिए नौ। नौ फंदों में इस तरह से जाली बना लेनी है। उसके बाद धागा सामने ला करके बाकियों को उल्टा उल्टा बिनना है। इसे उल्टा उल्टा बिनते हुए एकदम अंत तक चले जाते हैं। बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, एक बार आप इसे देखें अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और 30 फंदे तक का आप इस डिज़ाइन को आराम से इस तरह के प्रोसेस से आप बना सकते हैं। अगर अच्छा बनेगा और आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके हमें मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए एकदम अंत में आ गए हैं। इस वाले डिज़ाइन में हम लोग एक एक फंदा बिना बुने छोड़ेंगे, यहीं से धागा को पलट देंगे। देखिए अब इस साइड से सबको उल्टा उल्टा ही बिनना है, यहाँ तक, यहाँ पे जो जाली वगैरह डाले सबको ही उल्टा बिनना है। तो इसे बिन के ऊपर तक बिन लेते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ये हमारा जाली वाला पैटर्न शुरू हो गया। तो ये मेन फंदा था और ये जाली वाला देखिए इस तरह से दिख रहा है। तो इसे भी हम लोग इस तरह से आराम आराम से उल्टा उल्टा बिन लेंगे ताकि ये खुले ना। पूरा कंप्लीट करते हैं इसे ऊपर तक। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आ गए फिर से इसके ऊपरी साइड में। तो फिर से अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे पहले लाइन में हम लोग जाली डाले थे वैसे ही दूसरे लाइन में भी जाली डालेंगे। यहाँ पे भी हम लोगों को 9 फंदों में जाली डालना है। तो देखिए इस तरह से पहला फंदा उठा लेंगे, और साथ में यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा जाली वाला फंदा है और ये मेन फंदा है। तो इन दोनों को साथ में ले करके फिर से हम लोगों को इस तरह से जाली डालना है। तो ये जो हम लोग जाली डाले से गिनेंगे, तो ये पहला फंदा हो गया, ये दूसरा फंदा हो गया, इस तरह से गिनेंगे। दो हो गए, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छः, ये सात, ये देखिए आठ। ये जो नौवा जाली रह गया उसमें से हम लोग ये जो जाली है उसी में हम लोग फिर से जाली डालेंगे। ये देखिए इस तरह से धागा सामने लाएंगे और सिर्फ जाली को ही लेके जाली डाल देंगे, जिससे यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। फिर धागा सामने लाएंगे, बाकियों को उल्टा उल्टा बिनते जाएंगे, फिर से बिनते हुए जाएंगे, अंत में फिर से एक फंदा हम लोग बिना बुने छोड़ेंगे। तो यहाँ तक बिनते हैं इससे पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आ गए अंत में, यहाँ से दूसरा फंदा छोड़ देते हैं। ये देखिए इस साइड से वापस बिनते हैं ऊपर तक।
ये देखिए फ्रेंड्स बुनते हुए आ गए इसके ऊपरी साइड में। ये देखिए अब यहाँ से इजी हो गया। सेम ही करना है जैसे पहले लाइन में या दूसरे लाइन में किए 9 जालियाँ डाले, वैसे ही इसमें भी 9 जालियाँ डालनी है। इस तरह से फिर से ये जाली और ये मेन फंदा को साथ में लेकर के जाली डालेंगे इस तरह से। तो इसे गिनते हुए भी ये देखिए ये एक हो गया, ये दो हो गया, दो, ये तीन, ये देखिए फ्रेंड्स 8 जालियाँ डाल दिए। तो देखा जाए तो साथ ही में जाली डाल रहे हैं और लेकिन इससे जो पहला फंदा उठा रहे हैं उसे भी हम लोग गिन रहे हैं, तो इसलिए हम 8 जाली बोल रहे हैं इस तरह से। अब फिर धागा सामने लेके आ रहे हैं और ये जो 9वां जाली है उसमें से सिर्फ जाली को लेकर के इस तरह से यहाँ पर एक और जाली बना दे रहे हैं, जिससे यहाँ पर एक फंदा बढ़ रहा है हर लाइन में। इस तरह से बिनने पर हर लाइन में एक एक फंदा बढ़ जाएगा आपका इस तरह से। फिर से बाकियों को बिनते जाएंगे और यहाँ पे एक फंदा छोड़ेंगे। तो इसी तरह से आपको करते जाना है। ये देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए ये 3 लाइन में 3 फंदा बढ़ा है, वैसे ही और 6 फंदे बढ़ा लेते हैं। कुल मिला के हम लोगों को 9 फंदे बढ़ाने हैं। इधर से देखिए ये 1, 2, 3 लाइन दिख रहा है, वैसे ही और 6 लाइन और बना लेते हैं। उसके आगे आपको बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बिनते हुए यहाँ पे 9 लाइन बना लिए। इस तरह से देखिए 9 जालियाँ डाल दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए 9। अब देखिए फ्रेंड्स इधर से भी 9 फंदे तक छोड़ दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो 9 जालियाँ डाले हैं सबको हम लोग यहाँ पे बंद कर लेंगे, यानी कि इधर के जितने भी फंदे सब हम लोग बंद कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से 2 फंदे को साथ में ले करके बंद करेंगे और ये गिराएंगे नहीं, फिर इसे कांटे पे कर देंगे, फिर से इसको साथ में लेकर के कर देंगे। ऐसे ही सारे फंदे बंद कर लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स सबको बंद कर लिए यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 27 फंदा रह गया है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, फिर से जैसे पहले लाइन में 9 फंदों में जाली डाले थे, फिर से यहाँ से हम लोग अब 9 फंदों में जाली डालेंगे। तो ये समझ लीजिए ये पहला फंदा है, बाकी बचे 8 फंदों में इस तरह से जाली डाल देते हैं इस तरह से। इसी लाइन में हम लोगों को फिर से इसकी दूसरी कली, इस कली का दूसरी कली उठा लेना है इस तरह से। तो ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए 9। बाकियों को उल्टा उल्टा बिनना है। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से 10वां फंदा छोड़ना है बिना बुने, तो वहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए यहीं से धागा को पलट देंगे, इस साइड से सबको बिनते हुए यहाँ तक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बिनते हुए आ गए इसके ऊपरी साइड में। फिर से जैसे पहला लाइन में किए थे वैसे ही हम लोग इसमें 9 फंदों में जाली डाल दिए, जैसे इसमें दूसरे लाइन में किए थे। अब यहाँ से हम लोग फिर से सेम ही करने शुरू करेंगे। फिर से ये पहला फंदा उठा लेंगे और यहाँ पे ये हमारा जाली है, ये मेन फंदा है, दोनों को साथ में ले करके बिन देंगे। ये देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, तीन, चार, पांच, छह,
साथ ये देखिए 8, ये देखिए। अब जो 9 में हम लोगों को जाली डालना है तो सिर्फ जाली में ही जाली डालेंगे, दोनों फंदे को साथ में नहीं लेंगे, जिससे हम फिर से एक फंदा बढ़ जाएगा। ये देखिए इस तरह से फिर धागा सामने लाएंगे, बाकी को उल्टा उल्टा बिनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स आ गए। अब यहाँ पे ये 11वां फंदा छोड़ देते हैं, इसे धागा पलट देते हैं इस तरह से, इस साइड से वापस बिन लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स बिनते हुए आ गए इसके ऊपरी साइड में। ये देखिए फिर से देखिए, फिर से जैसे दूसरे लाइन में यहाँ पे किए वैसे ही करते जाएंगे, जैसे इसको बनाए वैसे ही इसे भी बनाते जाएंगे, हर लाइन में एक एक फंदा यहाँ बढ़ते जाएगा। तो देखिए और यहाँ पे अभी देखिए 2 लाइन में 2 फंदे बढ़ाए हैं और 7 फंदे बढ़ा लेते हैं, जैसे इसमें 9 लाइन बनाए थे इसमें भी 9 लाइन बना लेते हैं। उसके आगे आपको बताते हैं, इधर से कंटिन्यूसली एक एक फंदा ही छोड़ते जाएंगे, तो इसे करते हैं अभी। ये देखिए फ्रेंड्स बिनते हुए इसमें भी 9 जालियाँ बना लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर से ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 18 फंदे तक छोड़ दिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये देखिए 18। और यहाँ पे ये जो 9 जालियाँ डाले हैं उसमें से 9 फंदे बड़े हैं वो यहाँ पे हैं। तो देखिए ये 1, 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो फ्रेंड्स ये देखिए 9 फंदे यहाँ तक हैं। अब ये जो फंदा है ये सब जो इसमें जाली और मेन फंदा हमारा, उसे हम लोग इस लाइन में बंद कर देंगे, जैसे यहाँ पे बंद किए थे वैसे ही। तो देखिए ये जाली के ये जाली तक का फंदा हम लोग यहाँ बंद कर लेते हैं। तो जैसे पहले बंद कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही बंद कर लेंगे इस तरह से, 2 फंदे को साथ में लेकर के बिन देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक के फंदे बंद करने हैं, तो ये इसमें बंद करेंगे और इसे ये जो इसको बंद करने पे जो निकला है उसे भी इसमें डाल करके बंद कर देंगे। तो वहाँ तक के सारे फंदे बंद हो गए। अब हमारे कांटे पे फिर से 27 फंदा हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ से पूरा इसे एक साथ बिन लेते हैं यहाँ तक। फ्रेंड्स बिनते हुए आ गए एकदम लास्ट में इस, ये देखिए फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये एक कली कंप्लीट हो गया है। अब इसकी दूसरी कली को शुरू करने के लिए फिर से यहाँ हम लोग इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग इसमें दूसरा कलर लगा लेंगे, ये देखिए ये कलर लगा लेते हैं, इसे एकदम ऊपर तक बिन लेंगे, उल्टा उल्टा ही बिनना है। ये देखिए फ्रेंड्स बिनते हुए आ गए इसके ऊपरी साइड में इस तरह से, फिर से हमारे कांटे पे 27 फंदा हो गया इस तरह से। फिर से जैसे यहाँ पे 9 फंदों में जाली डाले थे वैसे ही यहाँ पे भी 9 फंदे में जाली डालेंगे, और जैसे जैसे इसमें किए हैं सेकंड लाइन से वैसे ही इसमें करेंगे। इसी तरह से जब सारी पूरी इसकी कलियाँ कंप्लीट हो जाएगी तब जैसे यहाँ पे फंदे बंद किए हैं ना बिल्कुल वैसे ही पूरा लाइन का फंदे बंद करके सुई धागे से सिलाई कर लेना है। तो ऐसे ही इसे कंप्लीट कर लेना है।